अस्सलाम वालेकुम पीपल आउट देयर, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि कैसे 14 दिन के लॉकडाउन के बाद भी इटली में लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ इन्फेक्ट हो रहे हैं और 14 दिन के लॉकडाउन का भी वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सवाल ये बनता है कि क्या इंडिया में लॉकडाउन के बाद भी हम लोग सेफ हैं या नहीं हैं। तो इटली में जब ये लॉकडाउन हुआ तो ये स्टेज 3 पर था, लेकिन इंडिया में जब ये लॉकडाउन हुआ तो स्टेज 2 पर ही लॉकडाउन कर दिया गया। वायरस की स्टेजेस क्या होती हैं जिनको नहीं मालूम है उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दूसरा रीज़न ये था कि ये वायरस जो है वो 14 दिन में अपने असली सिम्टम्स दिखाता है। लोगों को नहीं मालूम था कि उनके अंदर वायरस आ चुका है, वो बाकी लोगों से मिले, उन्होंने बाकियों को इन्फेक्ट किया। जो तीसरा रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि इटली में इंडिया में दोनों जगह सेम है, वो ये कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन, जो नौजवान लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, उनमें वायरस हो सकता है। इसके बावजूद भी वो बाहर निकल रहे हैं, लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये वायरस स्प्रेड करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है इंडिया में भी और इटली में भी। तो फरवरी में सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, जिससे हुआ ये कि सारे स्टूडेंट्स जो थे वो आउटिंग पर निकल गए। लेकिन मार्च के शुरुआती वीक में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, जिससे कि सारे स्टोर्स बंद कर दिए गए सिवाय फार्मेसी और ग्रोसरी स्टोर्स के। तब जाके लोगों को मालूम हुआ कि ये एक सीरियस इशू है। लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो फिर भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों में चुल होती है। लेकिन लास्ट वीक इटली में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया कि अगर कोई भी शख्स बाहर दिख गए तो उन्हें 5000 यूरो का जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट जो है वो ये है, जो कि इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसके 4 रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1 ये है कि इम्पॉर्टेंट वर्क रीज़न होना चाहिए, प्राइमरी नेसेसिटी सिटीज़ लिखना चाहिए, हेल्थ रीज़न लिखना चाहिए और रिटर्न होम। ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको अलाउ करता है कि बाहर आप क्यों निकल रहे हैं। जिन्होंने ये जानकारी दी वो जब ग्रोसरी लेने बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जिसमें एक भाई साहब जो हैं वो बिना मास्क के एक गार्डन में टहल रहे हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से ये चीज़ स्प्रेड हो रही है, ना सिर्फ इटली में बल्कि इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के, बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है उनमें वायरस इन्फेक्ट हो, लेकिन फिर भी वो दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप में सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, कम से कम लोगों से मिलिए, इस चीज़ को स्प्रेड होने से रोकिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि कैसे इटली में 14 दिन का लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इस लॉकडाउन के फ़ायदा आप चाहते हैं तो इंडिया में ऐसा होने से हम रोक सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ को स्प्रेड होने से रोकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक दीजिए, कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, और इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूम हो कि इटली जैसा मंज़र हमें इंडिया में नहीं बनाना है। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको और वीडियो चाहिए।